आज मेरे प्रियो, हम देखने जा रहे हैं कि कैसे मेडिटेट करना है, किन किन बातों पर मेडिटेट करना है, ध्यान करना है, मनन करना है। और जानते हैं, जब हम मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो हमको ब्लेसिंग्स मिलती हैं, वो आशीषें मिलती है, बुद्धि मिलती है, विजडम मिलता है, आइडियाज़ मिलते हैं, क्रिएटिविटी के विचार मिलते हैं, कुछ नया करने का, नया आविष्कार, इन्वेंशन करने का, चंगाई के वो उपाय मिलते हैं, और जो आने वाले खतरे हैं उसके बारे में कई बार हमें पता चल जाता है, और हमें सही निर्णय, राइट डिसीजन करने का भी अनुग्रह प्राप्त होता है जब हम मनन करते हैं, मेडिटेट करते हैं, ध्यान करते हैं। किन पर? अगर हम पढ़ेंगे, बाइबल में दिया हुआ है मेरे प्रियो, वहाँ लिखा हुआ है भजन संहिता 1:1 उसका दूसरा वचन, वहाँ लिखा हुआ है, परंतु वह तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। बाइबल के वचनों पर, व्यवस्था क्या है? बाइबल के वचन है, उस पर हमको क्या करना है? रात और दिन ध्यान करते रहना है। हालेलुया। ओ, क्योंकि जब हम ध्यान करेंगे तो हम उस वृक्ष के समान हो जाएंगे जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जो अपने ऋतु में, अपने सीजन में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। आप सफल होंगे, आप सफल होंगे। क्या आज आप असफल है मेरे भाई, मेरी बहन? परमेश्वर के वचनों पर ध्यान लगाइए, मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, यू विल बी ब्लेस्ड, यू विल बी सक्सेसफुल, बिकॉज जीसस क्राइस्ट इज द सक्सेस गिवर। हालेलुया। वो आपको सफलता देने वाला परमेश्वर है, वो आपको सफल करेगा, वो आपको सफल करेगा। हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया। वो इसलिए मेडिटेट करे ऑन द लॉ ऑफ द लॉर्ड, ऑन द वर्ड्स ऑफ द बाइबल, यू विल बी ब्लेस्ड। और हम पढ़ेंगे यदि भजन संहिता 119 का 23वां वचन, वहां पर भी बड़ा प्यारा वचन लिखा हुआ है, भजन संहिता 119 और उसका 23वां वचन, हाकिम भी बैठे हुए आपस में मेरे विरुद्ध बातें करते, मतलब हाकिम मतलब अधिकारी लोग, परंतु तेरा दास तेरी विधियों पर ध्यान करता रहता है। ओ, तेरी विधियों पर ध्यान करता रहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अधिकारी लोग, बैरी लोग, विरोधी लोग, आपसे जलन रखने वाले, ओ, आपके विरोध में बात करते रहे, परंतु आपको क्या करना है? ओ, परमेश्वर के, हालेलुया, विधियों पर ध्यान करते रहना है। ओ, यू हैव टू मेडिटेट ऑन, ओ हालेलुया, द इंस्ट्रक्शन ऑफ द बाइबल। यस यस यस। और एक और वचन भजन संहिता 119 के 27वें वचन में दिया हुआ है, अपने उपदेशों का मार्ग मुझे बता, तब मैं तेरे आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। मेरे प्रियो, किस पर ध्यान करना है? परमेश्वर के आश्चर्य कर्म पर ध्यान करना है। ओ, आई विल मेडिटेट ऑन योर वंडरफुल डीड्स, मिराकुलस डीड, आपके जीवन में जो अद्भुत काम किया, एक्सीडेंट से बचाया, बीमारी से बचाया, ओ, नुकसान से बचाया, ओ, खतरे से बचाया, उस पर क्या करना है? ध्यान करना है, मेडिटेट करना है। हालेलुया। ओम गॉड्स वंडरफुल वर्क्स, माइटी वर्क्स। हालेलुया। और उस हम एक और वचन उसी भजन संहिता 119 के 97 में दिया हुआ है कि किस पे हमको ध्यान करना है। बड़ा सुंदर वचन है, आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसे प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। ओ यस, ओ
Yes, yes, hallelujah. Oh, how I love your law. I meditate on it all the day long. मैं तेरी ओ व्यवस्था से कितना प्यार करता हूँ कि हालेलुया ओ कि दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है. ओ हाउ आई लव योर लॉ, लॉ ऑफ गॉड इन द बाइबल, फ्रॉम द बाइबल आई विल मेडिटेट ऑन इट ऑल द डे लॉन्ग. आमेन. मेरे को मालूम है वो जीवित वचन है, वो इब्रानियों 4:12 में लिखा हुआ है, द वर्ड ऑफ गॉड इज ओ हालेलुया सामर्थ्य है, शक्तिशाली है. हालेलुया. ओ द वर्ड ऑफ गॉड इज लिविंग एंड पावरफुल, शार्पर देन एनी टू एज स्वॉर्ड. परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और दोधारी तलवार से भी चोखा वचन है. आज आपको यही वचन मेरे भाई मेरी बहन बात कर रहा है. यीशु की सामर्थ आपके दिलों में, जो मेरे भाई मेरी बहन सुन रहे हैं और मैं बताना चाहता हूं, यीशु आपसे प्रतिज्ञा कर रहे हैं, मेरे भाई मेरी बेटे मेरी बेटी, यीशु कह रहे हैं, यदि तू ध्यान देना, मनन करना, मेडिटेट करना चालू कर दे मेरे वचनों पर, मेरी व्यवस्था पर, ओ माय लॉ, ऑन माय डिग्रीज, ऑन माय वंडरफुल वर्क्स, ऑन माय वंडरफुल मिरेकल्स, उस पर ध्यान देना चालू कर दे, ओ मनन करना, मेडिटेट करना, परमेश्वर के बाइबल के वचनों में आप सामर्थ प्राप्त करेंगे, आप सफल होंगे, आप शक्तिशाली होंगे, क्योंकि यीशु ने प्रतिज्ञा की है और जीसस क्राइस्ट इज द प्रॉमिस कीपिंग गॉड. वो प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला परमेश्वर है. इब्रानियों 4:12 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हरेक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदों को अलग करके और पार छेदता मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है. जैसा आप ये वीडियो को देख रहे हैं, वचनों को सुन रहे हैं, मेरे प्रियो, मनुष्य के वचन नहीं है ये, यीशु के सामर्थ्य सृष्टिकर्ता शक्तिशाली यीशु नासरी के वचन है. हालेलुया. और मेरे प्रियो, एक और वचन बाइबल में लिखा हुआ है किस पर हमको ध्यान देना है. यदि हम पढ़ेंगे भजन संहिता 77 और उसका 12वां वचन, बाइबल बताती है कि किस पर हमको ध्यान देना है. हालेलुया. मेडिटेट करना है. ओ लिखा हुआ है, मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े बड़े कामों को सोचूंगा. हालेलुया. किसके बारे में सोचना है? यीशु मसीह बोल रहे हैं, हालेलुया, उसके ओ बड़े बड़े कामों के बारे में सोचना है. ओ उसके कामों पर, अद्भुत कामों पर ध्यान करना है. आई विल कंसिडर ऑल योर वंडरफुल वर्क्स एंड मेडिटेट ऑन ऑल योर माइटी डीड्स. हालेलुया. माइटी मिराकल्स, आई विल मेडिटेट ऑन योर माइटी मिराकल्स, जो मैग्निफिसेंट मिराकल, द मल्टीप्लाइंग मिराकल्स, ओ द हीलिंग मिराकल्स, आई विल मेडिटेट ऑन दैट एंड आई विल बी ब्लेस्ड, आई विल बी सक्सेसफुल, आई विल शाइन फॉर जीसस इन दिस डार्क वर्ल्ड, इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, आई विल बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल. यस माई बिलवड ब्रदर, माई बिलवड सिस्टर, यू विल बी एक्सट्रीमली ब्लेस्ड. You will be extremely successful because you meditate on the mighty works of Jesus Christ. Oh, mighty deeds, hallelujah, you meditate on it and God, oh, will glorify you, hallelujah. In this world, you will shine as an ambassador of Jesus Christ. You are an ambassador, hallelujah. Oh, aap Masih ke राजदूत है. हालेलुया. आप कोई ऐसे ही वैसे नहीं है, आप नई सृष्टि है और यीशु मसीह में. हालेलुया. यीशु के राजदूत है. दूसरा कुरिन्थियों 5:20 वचन कहता है, हम मसीह के
राजदूत है, यू आर एन एम्बेसडर ऑफ जीसस क्राइस्ट, यू आर रिप्रेजेंटिंग हिम। अमेरिका का राजदूत जैसे भारत देश में कितना अधिकार के साथ अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है, वो अपनी देश के सामर्थ्य, अपनी प्रसिद्धि, अपना प्रभाव, वैभव और ऐश्वर्य वो दिखाता है। उसी प्रकार से आप परमेश्वर के अधिकार को, सामर्थ को, प्यार को इस दुनिया में दिखाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और मेरे प्रियो, कई बार हो सकता है हमारे दिमाग में कई प्रकार के पुरानी जो बातों का हर्ट्स हुए, चोट पहुंची, घाव पहुंचे, लोगों ने क्या बोला, क्या हमारी बुराई की, क्या हमको धोखा दिया, क्या हमसे बेईमानी की, कई लोग हमें आरा मानसिक, शारीरिक, आर्थिक शोषण करते हैं, हम अन्याय का शिकार होते हैं। कई बार ऐसे ही विचार हमारे दिमाग में, हमारे दिल में भर जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, बाइबल हमें उपाय बताती है। मेरे प्रियो, जब आपको ये ऐसे विचार आए, ये भाई ने, ये बहन ने मेरे साथ अन्याय किया, मेरा मानसिक, शारीरिक, आर्थिक शोषण किया, मुझे धोखे में रखा, मुझसे धोखेबाजी की, क्या करना है आपको? फिलिपियों की किताब 4 अध्याय और उसका 8वां वचन लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, और जो जो बातें उचित हैं, और जो जो बातें पवित्र हैं, और जो जो बातें सुहावनी हैं, और जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उसी पर ध्यान लगाया करो। हालेलुया, किस पर ध्यान लगाना है? ओ परमेश्वर के किए हुए अद्भुत कामों पर। हालेलुया, इंग्लिश में दिया हुआ है, फाइनली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वॉट एवर इज ट्रू, वॉट एवर इज नोबल, वॉट एवर इज राइट, वॉट एवर इज प्योर, वॉट Whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Yes, yes, yes. उसके बारे में सोचना है। मेरे प्रियो, जो हो गया, उसको आप change, you can't change your past, but your future is in front of you. आपका भविष्य आपके सामने है, आप अपने भूतकाल को बदल नहीं सकते, परंतु आपका भविष्य आगे है। उसके लिए आप प्रार्थना करके, ओ यीशु से आशीष प्राप्त करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को ब्लेस्ड बना सकते हैं, आशीषित और चमकीला बना सकते हैं। मेरे प्रियो, मेरे बाइबल में, ओ हमारे बाइबल में कई प्रकार के परमेश्वर के दास थे और वो बेहद सफल हुए। दाऊद राजा सफल हुआ परमेश्वर की व्यवस्था पर, परमेश्वर के आश्चर्यकर्म पर ध्यान देने पर वो सफल हुआ। ओ उसने युद्ध जीते, दुश्मनों से बचाया गया, अपनी जान को आने वाले खतरों से वो बचा। मेरे प्रियो, क्योंकि वो ध्यान करता था, ही यूज्ड टू मेडिटेट। और बाइबल में एक और उदाहरण है इजहार के बारे में। ओ हालेलुया, इजहार जो था वो भी मैदान में जाके मनन करता था, ध्यान करता था। अगर हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 24वां अध्याय और उसका 63 वचन, वहाँ लिखा हुआ है, हालेलुया, वहाँ दिया हुआ है कि किस प्रकार से सांझ के समय इसहाक मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था, और उसने आंखें उठाकर देखा, क्या देखा, कि ऊंट चले आ रहे हैं। रिबका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा, वो इसहाक के लिए उसकी पत्नी चले आ रही है जब वो ध्यान कर रहा था। आपके लिए भी, जब आप ध्यान करेंगे, मेडिटेट करेंगे परमेश्वर के वचनों पर, परमेश्वर की आश्चर्यकर्मों पर, तो आप देखेंगे कई आशीषें आपके पास अपने आप खुद चले आएंगी। हालेलुया, आपकी ओ होने वाली पत्नी, आपका होने वाला पति, हालेलुया, ओ हालेलुया, आपकी नौकरी आपके पास, वो फोन कॉल, वो ईमेल, वो चिट्ठी आ जाएगी। हालेलुया, आपके बिजनेस
डील, आपकी पार्टनरशिप, आपकी एजेंसी बड़े किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ हो जाएगी, जॉइंट वेंचर हो जाएगा, आपका व्यापार, आपका बिजनेस सफल होगा, नए आइडियाज मिलेंगे, हालेलुया, आप सही निर्णय ले पाएंगे, आपको अच्छा घर मिलेगा, अच्छी लोकेशन में आपके बच्चे अच्छे स्कूल कॉलेजेस कोर्स करने पाएंगे जिसकी डिमांड आगे में हो, अभी उसकी डिमांड नहीं हो रही हो। मैं बताना चाहता हूँ, ओ जब मैं नौकरी कर रहा था गुजरात में, मेरे साथ मेरे कलीसिया में कुछ भाई लोग आए, वो साउथ से आए थे। उन्होंने बताया कि भाई हमने बीएससी की है, और उस समय बीएससी केमिस्ट्री का कोई वैल्यू नहीं था, कोई मूल्य नहीं था, कोई स्कोप नहीं लगता था कि नौकरी मिलेगी, परंतु परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर की आशीषों से उसके तकदीर को, उनकी तस्वीर को बदल दिया, और आज वो क्या कहलाते हैं मालूम, वो बड़े बड़े फार्मा कंपनीज में, फार्मा कंपनी उनको तुरंत थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस हो बीएससी केमिस्ट्री है तुरंत लेती, एज ए साइंटिस्ट वैज्ञानिक के तौर पर कोई सोच सकता था? इंजीनियर लोगों को उतनी सैलरी नहीं मिल रही, उतना बड़ा पोस्ट साइंटिस्ट वो नहीं कहलाते ज़्यादातर इंजीनियर्स, परंतु बीएससी केमिस्ट्री जो निम्न समझा जाता था, थोड़ा छोटा समझा जाता था, आज देखिए वो वैज्ञानिक कहला रहे हैं, साइंटिस्ट कहला रहे हैं, और उनकी तनख्वाह भी बड़ी अच्छी, सैलरी पैकेज उनको मिल रहा है मेरे प्रियो। हाँ, आपकी तकदीर, आपकी तस्वीर यीशु मसीह बदल देगा, बदल रहा है, बदल रहा है, जैसे ही आप वचन को सुन रहे हैं, इज योर चेंजिंग ओ योर फ्यूचर, योर ओ हालेलुया, ओ योर ओ ऑल दी गोइंग आउट एंड योर गोइंग कमिंग आउट, गोइंग आउट एंड कमिंग इन, इज चेंजिंग, इज मेकिंग इट ए ब्लेसिंग, इज मेकिंग यू ए ब्लेसिंग, आप आशीष का कारण होंगे। ओ हालेलुया, ओ मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे नाम को बड़ा करूंगा, ओ जब तू ध्यान करेगा मेरे वचनों पर, हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे यीशु, रात दिन मैं आप पर, आपके वचनों पर, रात को जब चिंता के मारे हो सकता है नींद खुल रही हो, मेरे भाई मेरी बहन सो नहीं पा रहे हो, चिंता भविष्य के लिए, बच्चों के लिए, पैसे के लिए, कोई विरोधी उनको, कोई उनका शत्रु उनको तंग कर रहा, उनका बैरी उनके लिए गड्ढा खोद रहा है, वो बड़े तनाव में, दबाव में हो, नींद नहीं आ रही हो, तकलीफ में, दर्द में हो, मैं प्रार्थना करता होने दीजिए, जब भी उनकी रात को नींद खुलती, दिन के समय जब टेंशन आता है, चिंता, डिप्रेशन, निराशाजनक वो विचार आ जाते हैं, तो आपके वचनों पर, आपकी व्यवस्था पर, आपके आश्चर्य कर्मों पर और हर एक अद्भुत बातों पर ध्यान करें, भली बाओ ओ अद्भुत बातों पर आपका ध्यान करें, हालेलुया, क्योंकि आशीष 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 मिलेगी, आदरणीय बातें, पवित्र बातें, सुहावनी बातें, मनभावनी और सद्गुण और प्रशंसा की बातों पर वो ध्यान कर सके। मैं अपने भाइयों बहनों को आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता, होने दीजिए, ऑर्डर देयर स्टेप्स इन दाई वर्ड, लेट नॉट एनी इनइक्विटी हैव डोमिनियन ओवर देम, नॉट टेंशन, चिंताएं, दबाव, तनाव, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, वो जिसके कारण वो ग्रसित है, बीमारी के कारण वो बड़ी चिंता में है, वो सब दूर हो जाए यीशु के नाम से पिता, आपकी शांति भर जाए, और जब भी उनको ध्यान आए, चिंता आए, तो आपके वचन पर ध्यान कर सके। ओ जिस प्रकार से भजनकार कहता है कि मैं रात और दिन ओ तेरे वचन पर ध्यान करूंगा, हालेलुया, हाँ यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, वो आपके वचनों पर रात दिन ध्यान कर सके, हालेलुया, ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करता प्यारे यीशु, हर एक का जो मेरे भाई मेरे बहन मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ रहा है, आज से जब भी वो भटकने वाली आत्माएं या नेगेटिव विचार उनके दिल दिमाग में कब्जा करने की कोशिश करे, डराने की, चिंता में, दबाव में, वो तनाव में डालने की कोशिश करे, मैं प्रार्थना करता यीशु के नाम से तुरंत तुरंत उसी समय
इमीडिएटली लॉर्ड रिमाइंड देम ऑफ योर वंडरफुल माइटी मार्वलस डीड्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, माइटी मिराकल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑन योर लॉ लॉर्ड जीसस, आपकी व्यवस्था बाइबल के वचनों पर, क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु बाइबल के यीशु का वचन कभी नहीं टलेगा। मत्ती 24:35 में लिखा हुआ है, ओ द फ्लावर मे फेड, द ग्रास मे विदर, बट द वर्ड ऑफ गॉड विल स्टैंड फॉरएवर एंड एवर। हालेलुया। ओ घास मुरझा जाएगी, फूल सूख जाएगा, परंतु वो परमेश्वर का जीवित वचन, ओ अटल वचन, ओ अनादि से अनंत काल तक स्थिर रहने वाला वचन सदा स्थापित रहेगा। Psalms 119:89 के अनुसार, इट शैल बी सेटल ऑलवेज इन द हेवन लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, लेट योर हेवनली एंजल्स सराउंड देम लॉर्ड, yes lord, oh touch them with your wings lord jesus, yes 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 yes, cover them under your precious blood, under your wings lord jesus, unko suraksha dijiye, unko surakshit rakhiye, protect them, prosper them, purify them lord, purify their thoughts, yes lord, purify their life lord jesus, yes lord, yes lord, yes lord, yes lord, har ek vichar jo yeshu masih ke pehchan ke virodh mein uthta hai uska hum khandan karte hain यीशु के नासरी के नाम से। हालेलुया, यीशु नासरी के नाम से पिता, हर एक जो बुरे विचार है उनका हम खंडन करते हैं। हालेलुया, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, यस लॉर्ड जीसस, वी हालेलुया कंडेम लॉर्ड जीसस, हालेलुया, यस 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 यस, थैंक यू लॉर्ड। मेरे भाई मेरी बहनों को अपने गले से लगाइए, उन्हें चूमिए पिता, आपके वचन पर चलने की सामर्थ्य शक्ति प्रदान कीजिए, तब वो आशीषित होंगे, शांति प्राप्त करेंगे, आनंद प्राप्त करेंगे, आनंदित हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। मैं उन सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ, यीशु के प्यारे, सफल करने वाले, वो उन्नति देने वाले, ऊंचे में ले जाने वाले नाम में मांगता हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। सब लोग थोड़ी देर स्तुति करें, प्रशंसा करें, तारीफ करें, याद करें उसने जो अद्भुत अद्भुत काम किए हैं। हालेलुया, ही हैज डन माइटी थिंग्स येट अगेन, ही हैज डन माइटी थिंग्स येट अगेन, ही हैज डन माइटी थिंग्स येट अगेन। सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ द लॉर्ड, सेलिब्रेट, सेलिब्रेट, celebrate the victory of the Lord, celebrate, oh celebrate, celebrate the victory of the Lord, he has done mighty things yet again, he has done mighty things yet again, he has done mighty things yet again, celebrate the victory of the Lord, manae manae, yeshu ki jay hamesha manae manae मनाए, यीशु की जय हमेशा मनाए, उसने बड़े बड़े काम किए, उसने बड़े बड़े काम किए, उसने बड़े बड़े काम किए, हालेलुया, उसकी जय हमेशा मनाए, ओ यीशु की जीत हमेशा मनाए, आपको जय के उत्सव में ले चलेगा हमेशा के लिए, हालेलुया, थैंक यू जीसस, आमेन, आमेन, आमेन। God bless you all. और भी कुछ टॉपिक चाहते हैं आप, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, God bless you abundantly. Amen, 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 amen.